पढ़ लीजिए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एकदम आसान सा है कि उसमें क्या क्या है, क्वेश्चन जो है वो चैप्टर से रिलेट ही करते हैं। आप एक बार उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आंसर है। तो आप ये खुद से पढ़िएगा, हम आगे चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पर। मैं आपको इसकी पूरी एक्सरसाइज कम्प्लीट करा दूँगी। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मधु के परिवार में कौन कौन है, तो आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको समझ आ जाएगा, बहुत ही आसान है। लेकिन चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है तभी आपको समझ आएगा। तो और हमें आंसर हमेशा शॉर्ट फॉर्म में बहुत अच्छे से लेते हैं। जैसे कि उन्होंने पूछा कि मधु के परिवार में कौन कौन है, तो हम लोग लिखेंगे कि मधु के परिवार में उसके दादा दादी, माता पिता और उसका भाई मोहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, मधु किसके साथ बाजार गई, तो मधु अपने दादाजी के साथ बाजार गई। आपने चैप्टर में ये पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद है दादी को दवा किसने खिलाई, तो दादी को दवा किसने खिलाई, सोचिए दादी को दवा मोनू ने खिलाई। ठीक है, आप पूरा चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ेगा, एकदम आपको याद आ जाएगा कि किसने क्या किया। माँ ने बाजार से क्या क्या मंगाया, तो माँ ने बाजार से क्या क्या मंगाया था, माँ ने बाजार से शक्कर, नमक, सरसों का तेल और धागे मंगाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने की पहली पाठशाला किसे कहते हैं, तो सीखने की पहली पाठशाला किसे कहते हैं। चैप्टर में है कि सीखने की पहली पाठशाला हमारा घर होता है, हमारा परिवार होता है, तो सीखने की पहली पाठशाला घर को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार के साथ मिलकर हम क्या क्या करते हैं, परिवार के साथ मिलकर हम क्या क्या करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, है ना, घर के सारे काम करते हैं, घर के सारे लोग मिलकर करते हैं, ठीक है, बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, बहुत कुछ। लेकिन हमें इसके आंसर इसके चैप्टर से रिलेट करके ही देना है, तो उससे क्या पूछा गया आपसे। परिवार में हम क्या करते हैं, परिवार में सभी के घर के सारे काम करते हैं, ऐसे चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गुल्लक के पैसे से मधु और मोनू क्या खाते हैं। मधु और मोनू क्या है, बहन भाई है ना, तो गुल्लक के पैसे से मधु और मोनू पढ़ने के लिए मेज खरीदते हैं, ऐसा चैप्टर में है और ये आपका आंसर है। इसके बाद मधु के परिवार में क्या क्या काम होता है, मधु के परिवार में क्या क्या काम होते हैं, मधु के परिवार में खेती और कपड़ों पर प्रेस करने का काम होता है। ठीक, बहुत ही आसान सा है कि मधु के परिवार में खेती होती है और कपड़ों पर प्रेस करने का, कपड़ों पर प्रेस करने का काम होता है। ठीक है, तो आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी आंसर को देने में, इसलिए चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट जो है सही और गलत के निशान को हमें बताना है, तो ये बहुत आसान है क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा है। तो इसमें लिखा है कि फर्स्टली मधु के घर में केवल उसके माता पिता है, तो गलत है। आपको पता है कि मधु के घर में तो उसके दादा दादी और माँ पापा भी हैं, है ना, तो सॉरी माता पिता तो दिया ही है, उन्होंने भाई भी है मधु का, तो ये गलत हो जाएगा। मधु और मोनू घर के कामों में हाथ बटाते हैं। हाँ, ये तो हमने अभी क्वेश्चन का ही आंसर दिया है कि घर के काम के सब काम करते हैं, तो ये एकदम सही है। परिवार हमारी पहली पाठशाला है, हाँ परिवार हमारी पहली पाठशाला है, घर परिवार ही हमारी पहली पाठशाला होता है, मतलब हम अपने माता पिता से ही है ना, स्कूल तो हम बहुत थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है मोनू और मधु पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं, काम करते हैं, ये सही हुआ। दादाजी परिवार के सभी लोगों का ध्यान नहीं रखते हैं, ये तो कहीं ना कहीं गलत लग रहा है, क्योंकि ऐसा तो मैंने पढ़ा नहीं है, ये गलत होगा। दादाजी लोग, दादाजी और दादी तो हमेशा हमारे परिवार का ध्यान रखते ही है। शीतल के पापा और चाचा शहर में काम करते हैं, हाँ ये सही है, शीतल के पापा और चाचा शहर में काम करते हैं। नेक्स्ट है, मधु ने सुरेश चाचा को प्रणाम नहीं किया, ये गलत है, बहुत अच्छी लड़की है ना, मधु और मोनू तो बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो उसने सुरेश चाचा को प्रणाम किया है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है आपका तुम्हारे परिवार में कौन क्या क्या काम करता है। आगे इसमें दिया हुआ है आपका नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें है कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन क्या क्या काम करता है, तो क्योंकि आपको पता ही है कि सबसे पहले उसमें ऊपर लिखा हुआ है खाना बनाना, तो आपको पता ही है कि आपके घर में खाना कौन बनाता है, आपकी माँ बनाती है, तो सामने जो कॉलम दिया हुआ है उसमें लिख देंगे माँ,
उसके बाद खाना परोसना, कौन परोसता है, माँ ही परोसती है, बहन होती है तो बहन परोसती है, या फिर चाची होती हैं, है ना, तो माँ और चाची लिख देंगे। पानी भरना, कभी कभी पिताजी भी पानी भरते हैं तो इस ऑप्शन में पिताजी लिख देंगे। उसके बाद है कपड़े धोना, तो माँ या चाची, माँ या चाची कपड़े धोती हैं। उसके बाद है खेती करना, खेती कौन कौन करता है, पिताजी करते हैं या चाचा जी होते हैं तो चाचा जी करते हैं, मतलब दोनों ही लोग करते हैं। उसके बाद है सब्जी या अनाज को बेचना, ये भी पिताजी और चाचा जी काम करते हैं। उसके बाद है पढ़ाई में मदद करना, तो पिताजी होंगे तो पिताजी आपकी पढ़ाई, वो सॉरी पिताजी तो करेंगे ही करेंगे, भाई होंगे तो भाई भी करेंगे, है ना। तो ये तो आपको समझ आ ही गया है। अब नेक्स्ट पार्ट आपका है जिसमें कि लिखा है तुमने अपने परिवार के लोगों से क्या क्या सीखा, तो दादी से क्या सीखा, उसके बाद दादा से क्या सीखा, माँ से क्या सीखा, पापा से क्या सीखा। तो अब ये आपको खुद से करना है, ठीक है। इसमें आपके आगे ये जिस तरह की लाइन बनी हुई है आपको लिखना है अपने परिवार की सोच के, पेपर चैप्टर में जो है वो नहीं, आपने आपके आपने अपने दादी से क्या सीखा, दादा से क्या सीखा, माँ पापा से क्या सीखा, ठीक है, आप अपने विचारों में लिखेंगे। उसके बाद है आपका फिफ्थ है कि अपने परिवार के लोगों का चित्र बनाओ या फोटो चिपकाओ। तो ये जो कॉलम बना हुआ है नीचे खाली, इसमें आप अपने परिवार का के लोगों का जिस जिस का भी फोटो आपके पास होगा वो आराम से लगा सकते हैं, और अगर मन करे तो उनके बारे में थोड़ा बहुत लिख भी सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि ये तो काफ़ी आसान ही था, और नेक्स्ट चैप्टर अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, समझिए। ओके, थैंक यू सो मच।